अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ दुआ के लिए सवैयाँ। शबे मेराज की है रात, तो इसलिए सबसे पहले तो सब मेरे बहन भाइयों को शबे मेराज की रात मुबारक हो बहुत बहुत। तो इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ सवैयाँ, जिसके लिए मैंने लिया 1 किलो दूध और सवैयाँ, चीनी। मैंने कहा पहले इसको काट लूँ, तो प्लेट में डाल के ना छोटी छोटी काट लेनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी जो है ना प्लेट मैंने छोटी नहीं ले ली है। ये रात बहुत बरकतों वाली रात है, और दुआ इसी ये मरों की रात भी हम में तो बोलते हैं। मेरे तो अम्मी अबू दोनों फोत हो चुके हैं, दुआ भी लाजमी देनी चाहिए इंसान को। नियाज बेशक घर पे ही बना के आप दुआ कर लें। दूध बॉयल हो चुका है, इसमें हसब ज़रूरत में चीनी मिला रही हूँ। अल्लाह ताला मेरे वालदैन की मगफरत फरमाए, आमीन। कुल मोमिनीन की, जितने भी मेरे जिनके पीछे दुआ करने के लिए नहीं है, माँ बाप बहन भाई जिन जिन के जो नहीं है दुआ के लिए, उनकी मगफरत फरमाए, आमीन। माँ बाप जिनके नहीं होते ना, उनको बहुत कदर होती है। मैं तो छोटी सी थी, तो मेरे पहले अब्बू फोत हुए हैं, फिर उसके बाद मेरी अम्मी की डेथ हो गई। अच्छा, दूध वाली सवैयों की एक और बात होती है, ये ना ठंडी हो के ना इनका दूध जो है ना वो बिल्कुल ही समझे ख़त्म हो जाता है, घनी हो के ना दूध गायब हो जाता है। तो जिसको आपने अगर देनी हो तो गरम गरम ही दिया करें। अहमद की आवाज़ आ रही होगी, मैंने अहमद को बोला, मैंने कहा आप यासीन पढ़ो, तो अहमद कहता है मम्मा मैंने सुबह रोज़ा भी रखना है। मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, माशाल्लाह आप तो 10 साल का हो गया, रखना भी चाहिए जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सवैयाँ हमारी तैयार हैं। 4 से 5 मिनट लगते हैं इनको बनने में, तो ये अभी दूंगी मैं दुआ के लिए नुमान को। दानियाल क्या कर रही हो आप नुमान? नुमान ये दुआ करो ना, दुआ करो। कहते हैं घर में मर्द हो, बड़े हमारे यही कहते थे घर में मर्द हो ना। The next day. हाँ जी, क्या बन रहे हैं? चाट बना रही हूँ चाट, आज रोज़ा है ना अहमद का, तो इसलिए प्याज काट के रख दिया, आलू भी काटती हैं, टमाटर काटती हैं। वैसे तो स्वाबी रोज़े में क्या नाम है नहीं होनी चाहिए इतनी सारी चीज़ें, पर बच्चों की खुशी के लिए तो करनी ही चाहिए ना, तो इसलिए पकौड़े बना लिए तुमने? बना रही पकौड़े अभी बन रहे हैं, ये भी है, चने अभी उबल रहे हैं। समझ कर दो, मैं पूछ के आओ क्या कैसी सूरत है आलस। अहमद अहमद की हुई को रोजा कैसा जा रहा है? अच्छा, एक अभी इधर गिर रहा, अभी इधर जा रहा है। ऐ देखो, ये खोजे खोरों की टीम बैठी हुई है, ये जलेबी कुर्सी पे रख के खा रहे हैं जी, इधर सोए हुए हैं जनाब अली, ये मोबाइल लगा हुआ है, दही का प्याला खा के बैठे हैं, ये जलेबी खोर बैठा हुआ है। किचन को थोड़ा सा इग्नोर करें, ये भी मैं समेट नहीं सकती, अभी ये काट रही लगी हुई, प्याज काट दी है मैंने, हरी मिर्च, दही है, इमली है, आलू, तो चाट मसाला डालेंगे जो हमने कराची से मंगवाया है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है, तो इसलिए रोज़ा किस किस के कमेंट में बताएं। आलू वो चने पकड़ाना ना मनवा से, चने भी हमारे हो गए बॉयल, मुझे तो यही डर था, मैंने कहा कि लेट ना हो जाए।
ये इमली का पानी और टमाटर। जाने दो जाने दो। चलो अक्सर बाजार से चाट खाते हैं तो उसमें भी तो होता है। मुझे पता नहीं के पा के दे छोड़ दिन बीच खा लेंदे हो। वही ना, एक चम्मच धड़ा मिर्च डाल दी हूँ मैं, बल्कि दो डाली हैं, ये हम स्पाइसी खाते हैं ना। लाल मिर्च डाल दूँ ना थोड़ी, वैसे भी सादी है ना। चाट मसाला ज़रूरत हुई तो और डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बोले तो यॉगर्ट है, ये बोले तो यॉगर्ट। चलो जी, दही थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, ज़्यादा ये शौक से खाते भी नहीं, ज़्यादा ये खाते भी हैं। ये तुम मिक्स करो ना, चाट मसाला नमक रह गया, नमक रोज़े में याद ही नहीं रहा नमक डालना है। बहुत दही वाली है ना, खाने, खाने भी नहीं होती हमारे घर में, इतना दही पसंद भी नहीं करता ना, इसलिए मैंने आधा किलो मंगवाया था। सही, ये मिक्स कर दो ना। चाट मसाला देख लो ना, मैं तो कह रही हूँ डाल दो थोड़ा सा और चाट मसाला हरी। हम कराची से इसलिए मंगवाते हैं ना, वहाँ का चाट मसाला बहुत ज़बरदस्त है। अभी अम्मी आ रही है, अम्मी को बोलूँगी और थोड़ा सा ले के आए मसाले। हाँ, हम तो ज़्यादातर हांडी का वो वाला मसाला उधर से मंगाते हैं, तो पकौड़े भी हमारे तैयार हैं। ये चले चलो, अल्लाह का शुक्र है। चले जी, बांध दिया टाइम से ही। ऐमा छोड़ दो पी बेटा। हाँ जी, मेरे बेटे को रोज़ा लग गया? नहीं है, अल्लाह का शुक्र है नहीं लगा है ना। बोलो ना, चाद बनाइए आपकी ख्वाहिश पे। चलो आ जाओ ना चाद नीचे, आओ इसको डालो ना आप, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे से हो गए ये इतना बदतमीज़ है, ये मेरी नकल उतारता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब मेरे बहन भाई। तो बोलो, अगर आपको मेरी मामा की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो ऐसे। अल्लाह हाफिज़। अमा टू भी।